حلب کا قصہ ہے۔ سن 1200، سن 1400، سن 1600، سن 1800، ٹھیک ٹھیک یاد نہیں کس صدی کا واقعہ ہے۔ سنتے ہیں پرانے زمانے میں حلب کا ایک شہزادہ تھا بدر، بہت ہی رنگین مزاج، سیر و تفریح کا شوقین۔ اسی زمانے میں ایک شہزادی تھی نادرہ، بہت خوبصورت لیکن مغرور، جس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ شہزادے بدر کی شادی کا پیغام شہزادی نادرہ نے نہایت حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ شہزادے بدر کو اپنی یہ توہین گوارا نہ ہوئی اور اس نے عہد کیا کہ وہ شہزادی نادرہ کو ایک کنیز کی حیثیت سے حاصل کر کے رہے گا، اور اس نے اپنا یہ عہد پورا کر دیا۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے بتائیے نا۔ سنو، ایک دن شہزادہ بدر اور اس کا دوست قمر گھوڑوں پر سیر کو نکلے۔ جدھر نظر اٹھے ادھر نکھار ہی نکھار ہو۔ چلو وہاں چلے جہاں بہار ہی بہار ہو، بہار ہی بہار ہو۔ قدم پہ جس جگہ مچل رہی ہو زندگی، مچل رہی ہو زندگی، ہر ایک ذرے سے جہاں ابل رہی ہو زندگی۔ جہاں خوشی ہو عیش ہو شگفتگی ہو پیار ہو۔ چلو وہاں چلے جہاں بہار ہی بہار ہو، بہار ہی بہار ہو۔ یہ چیخوں کی آواز کیسی؟ کوئی لڑکی مصیبت میں معلوم ہوتی ہے؟ جی ہاں، جہاں کوئی لڑکی مصیبت میں وہاں فوراً مدد کے لیے پہنچ۔ نہیں کمر دیر نہ کرو، جلدی چلو۔ بدماش، اپنے ناپاک ہاتھوں سے میرے جسم کو نہ چھو۔ اوفو، کتنی نفرت! دیکھتا ہوں میرے ہاتھوں سے تجھے کون چھڑاتا ہے۔ اس دل ایک عورت کی بے کسی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کاش اس وقت شہزادہ بدر یہاں ہوتا، پھر دیکھتی تمہاری بہادری۔ بدر؟ وہ ہمارا شہزادہ؟ اچھا، تو تم بھی اسی کے تیرے نظر کا نشانہ ہو۔ سنا ہے بہت بہادر ہے وہ، لڑکے کو تہخانے سے نکال لے جاتا ہے۔ بھی کسی بہادر سے سابقہ نہ پڑا اس مسلم کو، بلا لو اس کو مدد کو۔ اچھا ہے، آج میری پیاس کے ساتھ میری تلوار کی پیاس بھی بجھ جائے گی۔ اور یہ بدر کی تلوار، کان بدر، تمہارے باپ کا فرشتہ۔ عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بتلاؤ کیوں کی یہ تلوار چھینی ہے؟ جاؤ دفان ہو جاؤ۔ لڑکی، تو
तुम कौन हो? अब तो सरकार की कमीज। हमें तुम्हारी हाजिर जवाबी पसंद आई। कहो, हमारे महल की कनीजों में शामिल होना कबूल करोगी? कमीज इसे अपना फर्ज समझेंगे। हम तुम्हारी सवारी का इंतजाम किए देते, महल चली आना। जहाँ बलाए ले रहा, जहाँ बलाए ले रहा हो प्यार भी प्यार की, प्यार भी प्यार की। जहाँ के जर्रे जर्रे पर पहाड़ भी निसार हो, जहाँ के जर्रे जर्रे पर पहाड़ भी निसार हो। चलो वहाँ चले जहाँ बहार ही बहार हो, बहार ही बहार हो। जिधर नजर उठे उधर निखार ही निखार हो, जिधर नजर उठे उधर निखार ही निखार हो। चलो वहाँ चले जहाँ बहार ही बहार हो, बहार ही बहार हो। यही कहवा पिएंगे? कहवा पिएंगे या छोड़ के
ना हमें छोड़ के ले जाना, मेरी दुनिया बसाना, आंखों आंखों से पिलाना, हमें छोड़ के ले जाना। हुआ दिल का निशाना, देखो मौसम है सुहाना, दिल तोड़ के न जाना, हमें छोड़ के न जाना। हाँ साहब बोलिए, चांद के टुकड़े की कीमत? दस दिनार, कुछ भी नहीं है साहब। बीस दिनार, वाह वाह खुर्दार। अस्सी दिनार साहब, इस गोहरे नायाब के लिए सिर्फ 80 दिनार। 100 दिनार, 100 दिनार, 125 दिनार, वाह साहब 125 दिनार, 150 दिनार, वाह वाह 175 दिनार, 200 दिनार, 210 दिनार, वाह वाह 225 दिनार, 225 दिनार, बोलिए साहब जल्दी बोलिए, 225 दिनार, सिर्फ 225 दिनार में जा रही है, जल्दी बोलिए साहब, 225 दिनार, 225 दिनार, दो और कोई है साहब, जल्दी बोलिए हजूर, 225 दिनार, सिर्फ 225 दिनार में जा रही है, 225 दिनार, 225 दिनार, दो, 225 दिनार, तीन, ले जाइए। चलो जाने मन, ठहरो, मैं तुम्हें सुरक्षित को नहीं ले जाने दूंगा। नहीं ले जाने दूंगा क्यों? ये मेरी मर्जी, मेरे पास सर नहीं है, क्या हुआ, ये रक्कासा मेरी है सर, मैंने खर्चा है, ये लड़की मेरी है, मेरी है। क्या बनता है ये, ना तुम्हारी है ना तुम्हारी, बल्कि मेरी है। फिर पढ़ रहे हैं आप इस झगड़े में? देखते नहीं दोस्त, ये मामला बहुत नाजुक है, देखते नहीं लड़की मुसीबत में है। रविश पर कालीन डाल दे, शहजादी नादिरा के आने का वक्त हो गया और तू अभी चौसर खेल रही है, मुर्दार कहीं की। मेरी अच्छी आमा, तुम गुलबदन से कालीन मंगवा लो ना, मैं ये बाजी खत्म करके आती हूँ। ओहो, तुम बैठी चौसर खेलती रहो और मैं तुम्हारे काम समेटूं, ये नखरे हमें ना दिखाओ। ऐसा मालूम होता है जैसे शहजादी नादिरा चौसर खेल रही है। देख गुलबदन, होश में आ जा, जरा से काम को कह दिया तो लगी मजाक में टालने। बेचारी सुमलापा सारा सारा दिन काम करती रहती है, पर मुंह से उफ नहीं करती, एक तू है काम चोर। शहजादी साबा से कहकर तेरी चुटिया ना कटवाए तो महरू नाम नहीं। हाँ रहम रहम शहजादी नादरा, बंदी जान की अमान मांगती है, आपको अपने गुस्से की कसम, मेरा कसूर माफ कर दीजिए, अपने होने वाले शोहर शहजादा गुलफाम की कसम। कहो सुम्बुल, गुलबदन महापारा, इस हफ्ते की क्या क्या खबरें हैं? शहजादे बदर ने 11 जवान खूबसूरत लड़कियां उठवा कर अपने महल में भिजवा दी है। और कबाड़ ने खुद शहजादे को कैवा खाने से एक रकासा को उठा कर ले जाते हुए भी देखा है। वाकया यूँ बयान किया जाता है कि दो अमीर सामानी ताजर किसी कहवा खाने में एक रकासा पर अशरफियां लुटा रहे थे। हाँ, और उसे अपनी तरफ माइल भी कर रहे थे। इन दोनों में बहस आ पड़ी और जब दोनों की जेबें खाली हो गई तो आपस में लड़ने लगे। इतने में शहजादे बदर ने पहुंचकर दोनों को मार भगाया और खुद रकासा को लेकर चलता बना। अच्छा अंधेरे, शहजादे ने महल में लड़कियों का अजायब खाना खोल रखा है और सुल्तान को खबर ही नहीं। ऐसे शहजादे को तो जहर देकर मार डालना चाहिए, जो रियाया पर जुल्म करे और अपने बुजुर्गों की इज्जत को खाक में मिलाए। Thank you.
बजाना बंद करो। आधा बजा रहा हूँ, बजा। हम तखलिया चाहते हैं। तखलिया? जब देखो नाच रंग में मसरूफ हो, कभी सल्तनत के कारोबार में भी हिस्सा लिया करो। कुछ खबर है क्या हो रहा है? क्या हुआ बाजान? होता क्या, तुम यहाँ ऐशो इशरत में मशगूल हो और वहाँ हमारे पुराने दुश्मन अमीर नखलिस्तान ने हलब पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया है। तुम जानते हो हमारे सिपाह की तादाद बहुत कम है, इसलिए हमारी राय है कि दो ताकतों को मिलाकर एक ताकत बनाई जाए और अपने दुश्मन का सर हमेशा के लिए कुचल दिया जाए। मैं समझा नहीं, दो ताकतों से आपका मतलब? हमारा मतलब है अमीर कमाल की बेटी नादर तुम्हारी शादी करा दे। क्या राय है तुम्हारी? मैं तो खादिम हूं, जैसा आप कहो। शाबाश, तो हम अमीर कमाल को शादी का पैगाम भिजवाते हैं। लेकिन अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी को बदलना होगा बदर, तुम अब बच्चे नहीं हो। सल्तनत के कारोबार में तुम्हें अपने बूढ़े बाप का हाथ बटाना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा अब्बा जान। नाजरा अब जवान हो गई है और फिर ऐसा बहादुर शहजादा कहाँ मिलेगा। मैं कहती हूँ तुम तो ये रिश्ता फौरन तय कर दो। ठीक है, लेकिन इस बारे में नाजरा से मशवरा कर लेना भी जरूरी है। तो क्या हम किसी बदमाश लफंगे से उसका पल्लू बांध रहे हैं? ऐसा खूबसूरत, सजीला, छबीला, बहादुरी में ताक, दिलेर शहजादा चिराग लेकर ढूंढोगे तो कहीं ना मिलेगा। हाँ, कहने के लिए तो मैं नाजरा की सौतेली माँ हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा ख्याल है मुझे उसका। इसमें क्या शक है, मैं कब कहता हूँ कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। अगर तुम्हारा ऐसा ही ख्याल है तो शहजादा बख्त बुलंद ही से नादरा की शादी कर दी जाएगी। नादरा के ऐसे नसीब कहाँ कि वो इतनी बड़ी सल्तनत की मलिका बनती। वो तो ये कहिए कि बख्त बुलंद मेरे चचा का लड़का है और मेरी वजह से ये रिश्ता हो भी जाएगा। और फिर बेशक तजवीज नहायत उम्दा है। तुम हमारी तरफ से अमीर नखलिस्तान को एक खत लिख भेजो और शहजादा बख्त बुलंद को दावत दो कि वो शाही मेहमान बनकर हमारे महल को रौनक बख्शे। मैं नादरा से बातचीत करता हूँ। अच्छा, तो मैं अभी परवाना भिजवाई देती हूँ। अब्बा जान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरा संभल के कदम रखिए हुजूर, वल्ला कहीं कमर ना लचक जाए। हाय कुर्बान जाऊं, क्या शक्ल पाई है हुजूर ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बा जान, क्या मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया? क्या कहने, चांद शर्माता है हुजूर को देखकर। हाँ, शर्म करो। या अल्लाह, औदा ने कितना शर्म करूं। बंदा परवर, इनके मुकाबले कोई कुंवारी क्या शर्माएगी, और ये सब मेरी बदौलत है। खामोश रहो नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। सरकार, ये तुम ही हो जिसने एक बहादुर शहजादे को जनाना बना दिया है। अब्बाजान, क्या आप मुझसे खफा हैं? मैं तुमसे नहीं, उससे खफा हूँ जिसने कि तुम्हें पैदाइश के वक्त मेरे घर का दरवाजा दिखा दिया। हाँ, मैं मर ही क्यों नहीं जाता? शहजादा साहब, मरे हुजूर के दुश्मन जवानी की रातें हैं, मुरादों के दिन है। मैं 100 बार कुर्बान, 1000 बार सदके। खामोश रहो नहीं तो मैं। सरकार, शहजादे साहब का सहरा देखा नहीं और खामोश कैसे हो जाऊं? तेरा इसे नसीब होगा जिसकी कोई कल सीधी नहीं। कोई कल सीधी नहीं? अब्बा जान, ये क्या फरमाते हैं? अब्बा जान, अगर आप हुक्म दें तो मैं आसमान से चांद नोच लाऊं, सितारों की झोलियां भर लाऊं, जन्नत की हूरें ब्याह के ले आऊं। क्या आपका शहजादा बख्त बुलंद किसी से कम है? अगर हिम्मत है तो अमीर कमाल की बेटी नादरा से शादी करके दिखाओ। ये कौन सी मुश्किल बात है अब्बा जान? लेकिन मुश्किल यह है कि मैं पहली दफे आपकी गोद से जुदा हो रहा हूँ और वो भी शादी के लिए। बेवकूफी की बातें मत करो, ये तुम्हारे लिए सुनहरी मौका है। नादरा की सौतेली माँ हमारे ही खानदान की लड़की है, वो तुम्हारी पूरी तरह मदद करेगी। अगर तुमने वहां कोई बेवकूफी ना की तो जीत का दाव तुम्हारे ही हाथ लगेगा और वो आवारा शहजादा बदर अपने मुंह की खा के रह जाएगा। अच्छा अब्बा जान, तो मैं जाता हूँ। एक बार कलेजे से लगाकर मुझे रुखसत कर दीजिए। मुझे भी सरकार। दूर हो जाओ। सुल्तान हलब का कासिद बारियाबी की इजाजत चाहता है। हाजिर करो।
क्या है? सुल्तान हलब खुदुल्लाह मुल्कुहु की तरफ से शहजादी नादरा के लिए शहजादा बदर की शादी का पैगाम है। कासिद, तुम जानते हो कि तुम्हारे सुल्तान ने तुम्हें खतरनाक मुहिम पर भेज दिया है। चले जाओ और अपने सुल्तान से कह दो कि अपने आवारा शहजादे से हमारी मौजिज शहजादी का नाम मंसूब करके उसने हमारी तोहीन की है। चाहिए तो यह था कि तुम्हारा सर कलम कर देते। एक घंटे के अंदर अंदर शहर की फसील से बाहर निकल जाओ, वरना माफी वापस ले ली जाएगी। ठहरो। शहजादी नादरा ने तुम्हारे आवारा शहजादे के लिए यह गुड़िया भेजी है और उसने कहलवाया है कि अपने आवारा शहजादे से कह दो कि इस गुड़िया से शादी कर ले। उसने अपने महल में कनीजों का दरबार जो सजा रखा है उसमें यह मलेका अच्छी मालूम होगी। ये ले जाओ, क्योंकि हमारे यहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता और कभी कभी तो वापस ही नहीं जाता। नंदा जी सरकार, हम कहाँ जा रहे हैं? उस कोक आपके परी के घर जिसे नादरा कहते हैं हुजूर। नंदा जी, कहीं उसका घर करीब तो नहीं आया? अभी नहीं हुजूर। नंदा जी, जरा कुछ वहां से कह दो घोड़ों की रफ्तार आहिस्ता कर दे। बहुत अच्छा सरकार। तैयार शहजादा बख्त बुलंद वली अहद शाह नखलिस्तान महल में तशरीफ ला रहे हैं। आदाब बदल आता हूँ आपा जान। कहो, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भला शेरों को कोई तकलीफ हो सकती है आपा जान? सुनो शहजादे जी, जी अगर तुमने कोई बेवकूफी ना की तो जीत का दाव तुम्हारे ही हाथ लगेगा। अमीर बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है। हुजूरे आलिया, बिल्कुल इत्मीनान रखिए। अरे मैं जो साथ हूँ। आओ मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। चलिए। उधर नहीं इधर। ओ नंदन थमा दो। जिसको हो अपने बचाना इस नजर के मुकाबिल
गुमराह करती है, यही नजर तो मिटाने की चाह करती है, यही नजर तो मिटाने की चाह करती है, ये मार करती है और बेपनाह करती है, ये मार करती है और बेपनाह करती है, इस नजर से नहीं कुछ भी पाना, कोई अपना ही कातिल न हो, इस नजर से नहीं कुछ भी पाना, कोई अपना ही कातिल न हो, ये नजर ताकती है निशाना, कोई दूल्हे से घायल न हो। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, देखो तुम्हारी आवारगियों ने क्या गुल खिलाए। ये क्या है अब्बा जान? यह है शादी के पैगाम का जवाब। शादी के पैगाम का जवाब ये किसने भेजा है? नादरा ने, और उसने कहला भेजा है कि शहजादा बदर से कहो इस गुलजे से शादी कर ले, तुम्हारे जैसा अय्याश और आवारा शख्स उसके काबिल नहीं। अफसोस बदर, तुम्हारी आवारगियों ने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। अब्बा जान मुझे ज्यादा जलील न कीजिए, ये जवाब पाकर मैं अपनी नजरों में खुद गिर गया हूं, लेकिन मैं आप ही का बेटा हूं, गैरत मुझे आपसे विरसे में मिली है, मैं अपनी खानदानी गैरत की कसम खाता हूं कि जब तक नादरा को कनीज बनाकर आपके सामने पेश न करूंगा अपनी सूरत में दिखलाऊंगा। शाबाश बदर, गैरत इसी का नाम है कि मुंह से निकली हुई बात के लिए जिंदगी का आखिरी सांस और खून का आखिरी कतरा तक कुर्बान कर दिया जाए। जाओ, खुदा करे तुम कामयाब और बामुराद वापस आओ। हुजूर, शहजादा साहब खैरियत से पहुंच गए? हाँ हाँ। क्या लिखते हैं सरकार? बहुत खुशी की खबर है, और ये खुशखबरी महल के बच्चे बच्चे तक पहुंचना चाहिए। खत नामदार की तरफ से है, बाद आदाब और अलकाब के लिखते हैं कि गुलाम नामदार और शहजादा बख्त बुलंद जंगलों पहाड़ों और रेगिस्तानों की खाक छानते हुए तमाम दुश्वारियों को तय करते हुए हंसते खेलते अपनी मंजिल पर पहुंच गए। शाबाश शाबाश, मरहबा मरहबा। और आगे क्या लिखता है? मलिका गुलनार शहजादे साहब को देखते ही बलाए लेने को दौड़ पड़ी, अमीर कमाल ने खुश होकर गले लगा लिया, और शहजादी नादरा को जब खबर हुई तो वो शहजादी साहब को देखने के लिए बेतहाशा सामने आ गई। सामने आ गई, हाँ, एक नजर देखना था कि हैरत में पड़ गई, टिकटिकी बांधे शहजादे बख्त बुलंद को नीचे से ऊपर तक देखती रही, ऐसा मालूम होता था कि जैसे उन्होंने इसानो बान का शहजादा अपनी उम्र में कभी देखा ही नहीं। अमीर और मलका दोनों ने इस शादी के रिश्ते को दिलो जान से पसंद कर लिया है। फकत आपका जानिसार बहादुर नामदार। हुजूर, गुलाम तो पहले ही जानता था कि शहजादा बख्त बुलंद जैसा बहादुर और खूबसूरत नौजवान चिराग लेकर भी ढूंढे तो नहीं मिलेगा। अरे आखिर बेटा किसका है? सरकार, इस खुशी में जश्न का इंतजाम किया जाए, अगर हजूर फरमाएं तो आज रात उस जादूगर को बुलवा लीजिए। अरे हाँ, खूब याद दिलाया, आज उसी को बुलाना चाहिए। Thank you.
तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। नामदार, हम कहाँ हैं? अरे यही तो है उस कौआब की परी का कमरा जिसे नादरा कहते हैं। अच्छा, सुना है नामदार वो सरतापा कदम कयामत है कयामत। अरे आप किसी से कम है क्या? आप भी तो मुसीबत है मुसीबत। मगर नामदार अगर वो अचानक सामने आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा भैया? वो इलायची वो मुरब्बा तैयार रखना, मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। इत्मीनान रखिए हुजूर, यही वक्त तो है हिम्मत दिखाने का। अच्छा, मगर नामदार तू जरा इतना बता दे कि मैं क्या करूं। हाँ हाँ, बस तक कर सामने खड़े हो जाइए और कहिए, ऐ नादरा सुनो भी, ऐ सुनो भी, हम तुमसे शादी करने आए। अच्छा सुनो, ऐ भी नादरा सुनो तो, अगर सुनो तो, हम तुमसे शादी करने आए हैं, यूं कहूं? ठीक है बंदे। नहीं नंदा, कहीं तो पलट के ठोकर मार दी तो ढेर हो जाएगा। तो पांव पकड़ लीजिएगा सरकार और कहिएगा, आह के राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजाओ। शेर की सूरत है सरकार, ख्याल रहे। हाँ हाँ, समझ गया। तो नंदा एक काम कर, एक जरी जरी तू नादरा हो जा। मैं अपना सबक दौड़ा लू। मैं नादरा? हाँ हाँ, नामदार प्यारे जरा। अच्छा, मैं अपना सबक दौड़ा लू। नादरा, अच्छी नादरा, जरा सुनो तो ऐ बिना इलायची मुरब्बा लकलका, इलायची मुरब्बा लकलका, लकलका लकलका। अब्बा जान, आप किस लंगूर के साथ मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं? सीसी बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो हमारा मेहमान है और बहुत बड़ी सल्तनत का शहजादा है। अब्बा जान, मैं हरगिज ऐसे अहमक और बेवकूफ इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी जिसे इलायची और मुरब्बे के सिवा कुछ आता ही नहीं। बेटी, तुम्हारा ख्याल गलत है। वो बड़ा समझदार और बहादुर शहजादा है। और दूसरे, अब तो ये बात तय हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब्बा जान, मैं हरगिज उससे शादी नहीं करूंगी। तो क्या हम लोग तुमसे दुश्मनी कर रहे हैं? मैं आपसे बात नहीं कर रही। शाबाश मेरी बेटी, बहुत अच्छा जवाब। क्या कहा? नहीं, आप ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। ये रिश्ता मैंने तय किया है और मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम लोगों ने क्या शोर शकम मचा रखा है, जरा मेरी भी नहीं। अब्बा जान, आप इन्हें समझा दीजिए कि मैं इस मामले में किसी के नहीं सुनूंगी। बाद में आप मुझे इल्जाम न दीजिए। नहीं नहीं बेटी, नहीं नहीं, ये मुझे क्या समझाएंगे, मैं ही इन्हें समझा दूंगी। आपने अब्बा जान को उंगलियों पे नचा रखा है, मगर मैं आपके काबू में नहीं आऊंगी। अरे तुम लोग ये झगड़ा छोड़ो, मेरा दिल झड़कता है, जरा मेरी भी तो सुनो। वक्त बलन से ही तुम्हारी शादी होगी और हम ये शादी कराएंगे। सौतेली माँ जो ठहरी, देखती हूँ शादी मेरी होती ही या मेरी जूती की। क्या कयामत है, तुम लोग मेरी सुनते ही नहीं। लो मैं जाता हूँ। क्या हुआ? सरकार माँ बेटी में ठन गई, दोनों की जबानें कैंची की तरह चल रही थी। और अमीर खामोश दम बहुत, और कह भी क्या सकते थे। हुजूर तो उनके कमजोरियों से वाकिफ हैं।
क्यों, तू क्या खबर लाया? शहजादी और मलिका लड़ती रही और अमीर बेवकूफों की तरह दोनों पल्ले बराबर रखने की कोशिश करते रहे। फिर क्या लड़ाई अभी तक जारी है? नहीं सरकार, अब दोनों माँ बेटियां अपने अपने कमरों में मुंह फुलाए बैठी है, हर एक अपनी अपनी जिद पूरी करने की तदबीर सोच रही है। बाजी मार ली सरकार, आज ही रात को नादरा को महल से उठा लाए। हाँ ठीक है, नहीं नादरा का हमदर्द बनकर उसके दिल पर कब्जा करने की जरूरत है। दिलाराम खूब याद आया, दिलाराम दिलाराम। तस्लीम हुजूर। आओ दिलाराम आओ, बड़ी उम्र है तुम्हारी, हम अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे। तस्लीम हुजूर, कनीज क्या खिदमत बजा ला सकती है? दिलाराम, आज हम तुमसे अपनी तमाम मेहरबानियों का बदला चाहते हैं और आइंदा के लिए बड़ी से बड़ी नवाजिश का वादा करते हैं। सरकार के हुक्म पर कनीज की जान भी हाजिर है, फरमाइए। दिलाराम, शहजादी नादरा सख्त परेशान है और इस वक्त तुम्हें एक ऐसे सच्चे हमदर्द की जरूरत है जो उन्हें इस मुसीबत से निकाले। और आप ही वो हमदर्द हैं जो उन्हें इस मुसीबत से बचा सकते हैं, ठीक है ना? शाबाश, तुम बहुत ही समझदार हो दिलाराम, बहुत दूर की सोचती हो। अगर कामयाबी हो गई तो इस कामयाबी का तेरा तुम्हारे ही सर होगा और उसके बाद तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। वादा करते हैं? जरूर जरूर दिलाराम। अब दिलाराम, तमाम फौज अपने साथ है, अब अमीर कमाल का तख्त काफी के कदम और नादरा, और हाँ तुम दिलाराम तुम। शहजादी साहबा, आदाब।
आओ दिलाराम, बहुत गमगीन मालूम होती हैं आप। हाँ दिलाराम, जिंदगी में कभी ऐसी घड़ी भी आती है जब दिल को गम का बार उठाना पड़ता है। ना कुर्बान हुजूर, गम उठाए आपके दुश्मन। हाँ ये जरूर है कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, मगर ऐसे ही वक्त में तो हमदर्दों के मशवरे काम आते हैं। गम उठाने की बजाय गम को दूर करने की कोशिश कीजिए। तुझे क्या मालूम? मुझे सब कुछ मालूम है। आपकी सौतेली माँ आपकी शादी शाहजादा बख्तगन से करना चाहती है, यही बात है ना? हाँ, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहो कहो, जरूर कहो दिलाराम। हुजूर, वक्त का तकाजा यही है कि चंद दिनों के लिए आप यहाँ से कहीं चली जाएं। चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? इस मुसीबत में कौन मेरी मदद करेगा? बस इतनी सी बात की इतनी फिक्र? हुजूर, मैं आपकी सल्तनत में एक ऐसे आदमी को भी जानती हूँ जो आपके इशारों पर जान दे दे। कौन है, क्या नाम है उसका? आपकी सल्तनत का सिर्फ पैसा ला साफी। दबान बंद करो दिलाराम। अमीर कमाल की बेटी शहजादी नादरा की गैरत कभी गवारा न करेगी कि वो एक अदना नौकर का सहारा ले। खुदा ना करे हुजूर, कनीज तो ये कहना चाहती थी कि ये शादी शहजादी नादरा और अमीर कमाल दोनों के लिए बुरी साबित होगी। जिंदगी भर का सवाल है शहजादी साहिबा, घड़ी दो घड़ी की मुसीबत नहीं। शहजादा बख्तगन हरगिज़ इस लायक नहीं कि उनकी शादी आप जैसी बाविकार शहजादी से की जाए। वैसे हुजूर की मर्जी। हम सब कुछ जानते हैं दिलाराम, फिर भी हमारा महल से इस तरह अलहदा होना मुनासिब नहीं। दुनिया क्या कहेगी? किसी को भी कानोकान खबर ना होगी कि आप साकी के साथ गई थी, और फिर आपकी कनीज तो सफाई में पेश होने के लिए मौजूद ही है। उधर शहजादा बख्तगन अपनी सल्तनत को सिधारे, इधर इज्जत के साथ शहजादी आलिया अपने महल में तशरीफ ले आए। अच्छा दिलाराम, तो बस तैयार रहिए। आज ही रात को जब वक्त की जुबान 12 बजने का ऐलान करेगी, सिपह सालार साकी महल के चोर दरवाजे पर आपकी राह देखेगा। अब मैं रुखसत होता हूं। देखो दोस्त, मैंने तुम्हें जो कुछ समझा दिया है उसे भूलना मत। इत्मीनान रखो बदर, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन यार कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी हसीन साहिरा की जुल्फों में जकड़े जाओ और हम बैठे इंतजार में तुम्हारी तारे गिनते रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं नादरा से अपनी तोहीन का बदला न ले लूंगा, मेरा दिल और किसी काम में नहीं लगेगा। मैं तुम्हें अपनी कामयाबी की खबर जल्द भेजूंगा, वादा, पक्का वादा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा, रात बसर करने के लिए जगह मिल जाएगी? आपका भी और आपके घोड़े का भी बंदोबस्त हो जाता है। घास के दाम मुझे देते जाइए और कमरे के लिए मीर साहब मालिक है वखाने से मिल लीजिए। ये लीजिए, बाकी के आप रख लीजिए। जीते रहो बेटा। अच्छा जलील, एक बेफिक्रे को कमरा देकर मुफ्त का झगड़ा मोल ले लिया। जलील, तुम बड़े जलील हो। तुम जानते हो कि हम सबसे किराया पेश की वसूल कर लेते, और तुमने अपनी जिम्मेदारी पर उस लफंगे को कमरा दिलवा दिया। अब वो भाग खड़ा हुआ। तुम ये बताओ कि अब किराया क्या हम तुम्हारे बाल से वसूल कर? बदतमीज कहीं थे, समझे कि नहीं समझे? तो फिर समझाओ, दलील कहीं थी? तस्लीम अर्ज है, मैंने कहा तस्लीम अर्ज है। जा, बदतमीज, जा। मैं हुजूर की क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे रहने के लिए एक मामूली सा कमरा चाहिए। अजीब, बड़ा नफीस, बड़ा शानदार, सजा सजाया, चार पाई बिस्तर और जनाब पानी का पूरा पूरा बंदोबस्त, गरम हमाम और खिदमत के लिए खिदमतगार। अब मैं भी कुछ अर्ज करूं?
ये सब आप ही तो फरमा रहे हैं, माफ कीजिएगा मुझे जरा कम बोलने की आदत है। और जनाब मैं तो आपकी सूरत देखकर ही समझ गया था कि जनाब को कोई मामूली कमरा पसंद नहीं आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सूरत ही बता रही है कि जनाब के लिए कोई आलीशान कमरा मौजूद होगा। और जनाब किराया किराया आप जैसे कदरदानों के लिए नहीं। अजी जनाब जाते हुए जो जी में आए इनायत कर दीजिएगा। हजूर मुझे सिर्फ एक रात बसर करनी है, जिस कमरे में एक मामूली सी चारपाई बिछी हो वो बता दीजिए। आए अगर ये बात थी तो तुमने आते ही क्यों ना बता दिया, खामा खा मेरा दिमाग काटने लगे। दलील और दलील। और सुनिए जनाब किराया पेश की अदा कर दीजिए, मेहरबानी होगी। जी किराया? जी हाँ मीर साहब किराया कल सुबह ले लीजिएगा। है जा चाहते हो जी नहीं देखिए बात सुनिए वाले से पेश भी लिया जाता है। भाई साहब मैं काम आगे जाता हूँ। दे दो और जलील और जलील कहीं के तुम क्या करते हो बदतमीज कहीं के बड़े होगा अरे किराया का हम तुम्हारे बाप के क्या गड़बड़ कर रखी है। तौबा तौबा मैंने कहा मीर साहब कोई कमरा मिलेगा? कमरा अजी आइए आइए अजी बड़ा नफीस बड़ा शानदार सजा सजाया चारपाई बिस्तर और जनाब पानी का पूरा पूरा बंदोबस्त। मुसाफिरों के आराम का इंतजाम बहुत अच्छा है। चलिए वहीं चलें। कोचवाल मीर साहब के कहवा खाने की तरफ ले चलो। मैं हुजूर की क्या खिदमत कर सकता हूँ? कमरा चाहिए। कमरा? अजी कमरा बड़ा शानदार निहायत नफीस सजा सजाया चार पाई और बिस्तर और जनाब पानी का पूरा पूरा बंदोबस्त। कमरा दिखाइए कमरा। अजी कमरा मैं तो सूरत देखते ही समझ गया था कि हुजूर को कोई मामूली कमरा नहीं चाहिए। आइए आइए आप ही का कहवा खाना है। अरे जलील और जलील अरे तुम बड़े जलील हो कहाँ मर गए? अपना खबर हो गया अपना नाम कहा जा रहा है
अब पता मेरा दिल बैठा जा रहा है। नामदार वो इलायची जी। कुछ कहा था सही, आखिर क्या बात है? कुछ ना पूछिए आप अजान, बड़ी सख्त चोट लगी है मेरे दिल पर, मेरी नाजुक मिजाज हसरतों की कमर टूट गई। नामदार तो बता क्या बात है भाई? अब हुजूर शहजादी साहब कहीं गायब हो गई है, मैं उनका कोना कोना चांद मारा मगर कहीं पता नहीं, पता नहीं आप अजान। नामदार चलो फिर कोना कोना झंडा जरूर। चुप, आइए आइए मीर साहब। तशरीफ लाइए। क्या कहने, निहायत शानदार कमरा दिया है आपने। ये भी तुम्हारे जैसों के लिए अच्छा है। लाओ तो कलम दान जली। क्या नाम है तुम्हारा? जलाल। जलाल कहां से आए हो? बाप के घर से। बाप के घर से? बाप के घर से कहां जाओगे? बीवी के घर। बीवी के घर? बीवी कहां रहती है? अपने बाप के यहां। उसका बाप कहां रहता है? अपने घर में। आई, बीवी के बाप का घर कहां है साहेब? एक मोहल्ले में। उस मोहल्ले का क्या नाम है? हजूर ये तो बीवी के बाप से पूछकर ही बता सकता हूं। लाहौल में यहां मुझे तुम्हारी बीवी के बाप का नहीं तुम्हारा पता चाहिए। तो लिखिए ना हजूर, लिखिए लिखिए। शहर इश्काबाद। शहर इश्काबाद। जिला फिराक नगर। जिला फिराक नगर। डाखाना हसरतगंज। डाखाना हसरत, डाखाना हसरतगंज, तहसील मोहब्बतपुर, मोहल्ला हिजर खान, गली फगा वाली। मंजर हटाओ, 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 बड़े बदमाश मालूम होते हैं। आओ चलिए चलो, बीवी का घर, बाप का घर, बाप की बीवी का घर, बीवी के बाप का घर, कुछ समझ में नहीं आता। बाप बीवी, बाप बीवी, इसका बात हुसना बात, चलो जल्दी आओ। नंदन, जब से नादर आ गई है मेरे रुए रुए में जुदाई की आग बरस रही है। बड़ी बुरी बात है सरकार, इनसे फौरन बुझा देना चाहिए। क्या समझे? नामदार, कभी तूने किसी से मोहब्बत की है? नामदार, अरे मोहब्बत सरकार, आपकी और मेरी मोहब्बत अलग अलग थोड़ी है। नामदार तू देख रहा है, नादरा की जुदाई में मेरी नाक, मेरी नाक तप रही है, मेरे कानों में गम गम सी धाप रहा है, और यहाँ 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 शौले भड़क रहे हैं। नामदार कहाँ जा रहा है? नामदार मुझे अकेला न छोड़। नामदार कौन है? आपका गुलाम। कौन गुलाम? जी हुजूर, हुजूर हुजूर मैं था हुजूर। मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि जनाब को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपके होते हुए हमें कैसे तकलीफ हो सकती है मीर साहब? शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। ये तो हुजूर आप ही का कहवा खाना है, और कितने दिन ठहरने का इरादा है जनाब का? जब जाना होगा तो कहलवा देंगे। अजी क्या अर्ज करूं हुजूर, वो मीर मुंशी तो बड़े ही छोटे दिल का आदमी है, जब तक कि ठना ठन की आवाज नहीं सुन लेता, कम्बख को चैन नहीं आता। आप देखिए ना हुजूर, भिजवा ही दिया आपके पास कम्बख। क्या हरज है? अजी हरज वरज तो कुछ नहीं, वो इंतजार कर रहा होगा। अब क्या किया जाए हुजूर, ये तो अपनी अपनी आदत है। मैं समझा नहीं मीर साहब। ला हौल वला कुव्वत, बड़ा ही बेवकूफ आदमी। कौन? वो मीर मुंशी साहब। मीर मुंशी, मैं उसे आज ही समझा दूंगा कि ये पेशगी किराए की रस्म कुछ अच्छी नहीं मालूम होती। हर्ज क्या है मीर साहब? ये लीजिए एक हफ्ते का किराया पेशगी। आजा दलील, ओ दलील, आजा तुम बड़े दलील हो। क्यों, कोई भूत भूत तो नहीं देख लिया? जी नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है?
जी ये कसूर तो मेरा है जो आपके रास्ते में हायल हो गया। माफ कीजिए। माफ किया, अब रास्ता दीजिए। जाइए हुजूर। तुम यही काम करते हो? काम? जी हाँ, मैं यही काम करता हूँ। अजीओ इश्काबाद वाले साहब, ओ इश्काबाद वाले साहब, अब बंदे खुदा दरवाजा तो खोलो। आदाब जाना तो जी, सुबह हो गई है, लाइए किराया लाइए। कितने दिन बसर करने का इरादा है? ये तो मुझे खबर नहीं। तुम्हें कुछ खबर भी है? कहां से आए हो पता नहीं, कहां जाओगे मालूम नहीं, कितने दिन ठहरोगे खबर नहीं, आदमी हो या घनचक्कर? ये भी मैं सोच के बता सकता हूँ। लाहौल बिलाहौल, लाओ या किराया लाओ, और नहीं तो 9-2-11 हो जाए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। पहले किराया पीछे तशरीफ, मैंने पहले ही कह दिया था कि 10 नंबर वाले से किराया पेश के लिया जाता है। साफ साफ गुस्ताखी करूं? मेरे पास किराया नहीं है। क्या खबर होता जी? मैंने ये अर्ज किया कि मैं गरीब आदमी हूं, किराया अदा नहीं कर सकता, चाहता हूं कि नौकरी करके जिंदगी के बाकी दिन यही काट दूं। हो हो, माशाल्लाह, अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका है। आपका काम हो जाएगा, गरीब का पेट पल जाएगा। बड़े उस्ताद मालूम होते हो जी, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तुम 10 ही नंबर में रहने के काबिल। अच्छा तो चलो काम पर, हमें तो किराया वसूल करना ही है। चलिए। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि इस कमरे में वही कल वाली खूबसूरत लड़की मेहमान है ना। अरे हाँ, वही है खूबसूरत लड़की, लेकिन तुझे क्या जाके काम करना बदतमीज। मीर साहब, मैं नाश्ता ले जाऊँ? अब मैं समझ गया बरहोरदार, लेकिन एक बात है कि उसके साथ खूंखार भेड़िया भी लगा हुआ है। जरा बच के सुना नहीं, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। माफ कीजिएगा मीर साहब, जो फूल चुनना जानते हैं वो कांटों से दामन बचाना भी जानते हैं। अच्छा, नहीं बचता, नहीं बचता। हाँ, कांटों से दामन नहीं बचता, बदतमीज। अरे दलील हो आओ ना। बरहोरदार, मैं कुछ बूढ़ा तो नहीं मालूम होता? मीर साहब, बड़े दलील हो, बड़े दलील, तुम बड़े दलील हो। कौन है? मैं हाजिर हो सकता हूँ। हजूर तकिया लेकर आया हूं। आ जा। आपको कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। देखिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा, मैं आपके बराबर वाले कमरे में रहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है जलाल, हालांकि मुझे कभी जलाल नहीं आता। कब से नौकर हो यहाँ? कल से। कल से? जी हाँ, मगर एक ही दिन में तंग आ गया। कहीं और भी नौकरी की है तुमने? जी हाँ, सुल्तान हलब के यहाँ बरसों नौकर रहा। अच्छा, तब तो शहजादा बदर को भी जानते होंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। जरा उनका हुलिया तो बताना कैसा है? बड़ा नुकीला सजीला जवान, तुआना कद, गोल चेहरा, गुलाबी रंग, मर्दानगी का जीता जागता नमूना। मगर सुना है बहुत ही आवारा है। आवारा नहीं हो तू, जरा रंगीन मिजाज है। सुनने में आया है कि शहजादी नादरा से शादी करने के लिए घर से निकला। हाँ, नादरा उस लफंगे से कभी शादी नहीं करेगी। सुना है शहजादी नादरा बहुत खूबसूरत है, तुमने कभी उन्हें भी देखा? देखा क्या हजूर, उनके यहाँ भी नौकरी कर चुका। तुमने नौकरी की है उनके? जी हाँ हजूर, क्या कहूँ,
बहुत ही बदसूरत है। नाटा कद, काली कुलूती, छोटी छोटी आंखें, भद्दा जिस्म। भद्दा जिस्म? जी हाँ, और क्या कहूँ, मोटे मोटे होंठ, फैली हुई नाक। फिर तो बहुत ही खूबसूरत होंगी। देखिए ना, शहजादा मतलब घर छोड़ के उसके पीछे भागा है। बहुत जब से आप इस कहवा खाने में तशरीफ लाई हैं, आज पहली बार खुश नजर आ रही हैं, और वो भी इस गुलाम से बेतकल्लुक होने के बाद। क्यों ना हो, जवान है, खूबसूरत है, बातें बनानी खूब जानता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हजूर को गुलाम भा गया है। तुम बहुत बहकी बहकी बातें करने लगे हो साकी, अपने मर्तबे को पहचानो, मेरी शान में ये गुस्ताखी। निकल जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। वापस? किस मुंह से वापस जाइएगा? आप घर से भाग कर आई हैं, और आपको इस तरह भगाने में मेरा हाथ था। दिलाराम का मशवरा मेरा ही पढ़ाया हुआ सबक था। मकसद? तुम्हें हासिल करना। कान खोल कर सुन लो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम्हारे वालिद फरमा रवाई जहल नहीं रहे, इसलिए आज के अब मालूम हुआ तुम आस्तीन के साथ थे, एक बहुत बड़े गद्दार। मगर याद रखो, तुम अपने इस नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं हो सकते। साकी के इरादों के सामने पहाड़ भी टल जाते हैं शहजादी साहिबा। तुम मेरी मजबूरी से फायदा उठाना चाहते हो? जिंदगी का खेल ऐसे ही खेला जाता है, जो किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाते वो बेवकूफ कहलाते। नादरा मर जाएगी मगर तुम्हारी आरजू पूरी ना होगी। मेरी आरजू पूरी होगी, जरूर होगी, और यही होगी। छोड़ो मेरा, तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी, और अगर तुमने इंकार किया तो मैं तुम्हें यहाँ के तहखाने में उस तक के लिए बंद कर दूंगा, जब तक तुम्हारे पुरुष ठिकाने में ना जाए। तुम्हें इस नमक हरामी की सजा जरूर मिलेगी। देखा जाएगा। छोड़ो मेरा हाथ। जब तक मिजाज दुरुस्त ना हो। मेरी मोहब्बत अगर प्यार की भीख मांग सकती है तो मेरी नफरत भी तुम्हारे गुरूर को ठोकर लगा सकती है। ये तू कह रहा है जिसका रुआ रुआ मेरे खानदान के एहसानों से जकड़ा हुआ है? शर्म करना मखरा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो शर्म के काबिल हो। मैं मोहब्बत करता हूँ और इसका जवाब मोहब्बत से चाहता हूँ। एक बेबस औरत की मजबूरी से फायदा उठाना चाहता है, मगर याद रख, तू मेरे दिल पर बेहयाई की एक उचटती हुई नजर भी नहीं डाल सकता। मैं अपनी तमाम इज्जत और विकास तुम्हारे कदमों पर निछावर करने के लिए तैयार हूँ। तेरे पास ना इज्जत है ना वकार। अगर इज्जत का पास होता तो तू मुझे इस तरह धोखा न देता। अगर वकार प्यारा होता तो अपने आका की बेटी को इस तरह जलील न करता। मुझे तुम लफ्जों का फरेब देकर मेरे हाथ से नहीं बच सकती। नादरा, अगर सुबह तक तुम्हारी नहीं हामी न बदली तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी।
शहजादी साहब घबराइए नहीं, मैं जरूर आपको इस मुसीबत से छुड़ाऊंगा। बस आप इतना कीजिए कि किसी तरह साकी ये दरवाजा खोल दे। तुम कितने अच्छे हो जलाल, क्यों अपने आप को मेरे लिए मुसीबत में डालते हो? हजार जाने आप पर कुर्बान, मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं रहने दूंगा। शायद साकी आ रहा है, ख्याल रखिएगा, मैं छुपा जाता हूं। कहिए शहजादी साहिबा, अभी तक मिजाज दुरुस्त हुए या नहीं? साकी, साकी मुझ पर रहम करो, मेरा दम घुटा जा रहा है। इस गंदे तहखाने से मुझे निकालो, मैं वादा करती हूँ वही करूंगी जो तुम कहोगे। अगर पहले ही मान लिया होता तो यहाँ तक नौबत क्यों पहुंच? आइए शहजादी साहिबा, ये गुलाम आपकी हर खिदमत के लिए तैयार। आइए बाहर तशरीफ लाइए। हमसे नफरत है, हमको रुपए में दो रुपए उनसे मोहब्बत है, लेकिन फिर भी वो हमसे मोहब्बत करते हैं। कभी एक आना कभी दो आने जी, कभी एक आना कभी दो आने, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। कभी एक आना कभी दो आने जी, कभी एक आना कभी दो आने। जिगर तेरे लिए हार दिया, हमने तो जानो जिगर तेरे लिए हार दिया, तूने दो आंखों की बंदूक से क्यों मार दिया।
तूने दो आंखों की बंदूक से क्यों मार दिया। लेकिन फिर भी वो हमसे मोहब्बत करते हैं, कभी एक आना कभी दो आने जी, कभी एक आना कभी दो आने। वो हमसे मोहब्बत करते हैं, कभी एक आना कभी दो आने जी, कभी एक आना कभी दो आने। लेकिन फिर भी तुम हमसे मोहब्बत करते हो, कभी एक आना कभी दो आने जी, कभी एक आना कभी दो आने। तुम हमसे मोहब्बत करते हो, कभी एक आना कभी दो आने जी, कभी एक आना कभी दो आने। बड़ी भी, हम मुसाफिरों को रात बसर करने के लिए जगह मिल सकती है? मैं कुर्बान हूँ बेटा, मजाक क्या है को कर रहे हो? हम गरीबों के यहाँ आप रईस लोग कैसे आराम करोगे? नहीं बड़ी भी, हम वाकई यहाँ रात बसर करना। किसी मुल्क की शहजादी दिखाई पड़ो मुझे। ए, तुम किस देश की शहजादी हो? देखो हमसे छुपाना ना। हाँ अरे बाबा, मैं शहजादी वहजादी नहीं हूँ, हम तो मुसाफिर हैं, रास्ता भूल कर इधर निकल आए। नहीं तुम छुपा रही हो, भी गुलशन की बात कभी झूठ नहीं होती। अरे बाबा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं शहजादी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये क्या हुलिया बना रखा है? शहजादी साहिबा, आप इस लिबास में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। अच्छा शुक्रिया। बड़ी भी, ये तो तुमने गलत बताया कि मैं शहजादी। ना बिटिया, लाखों हाथ देखे मैंने, ये हाथ तो शहजादियों का हाथ है। हाँ और एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ बताओ। तुम्हारी शादी एक बहुत खूबसूरत शहजादे से होने वाली है, और बहुत नामी बहादुर शहजादा तुम्हारा दूल्हा बनेगा। बड़ी भी, जरा मेरा हाथ भी देखना, इसमें भी लकीरें। हाँ यही वो शहजादा है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। वाह, हमें नहीं भाया ये मजाक। ये शहजादा नहीं, ये तो मेरा गुलाम जलाल है। गुलाम नहीं बिटिया, ये शहजादा है, शहजादा। चलो मैं तुम्हारे ठहरने के लिए जगह बता दूं। आप आराम कीजिए, मैं पहरा देता हूँ। चलो, इन खाना बदोशों ने तुम्हें गुलाम से शहजादा तो बना दिया, अब अपना दिमाग ठिकाने रखो और सोने का इंतजाम करो।
रात काफी जा चुकी है। हजूर ये लोग बड़ी सच्ची पेशेंगोई करते हैं। और शहजादे, शहजादे तो पैदा हुआ करते हैं। मैं भी पैदा हुआ हूँ हजूर। बड़े बेवकूफ, पैदा तो सभी होते हैं। कोई शहजादा पैदा होता है और कोई गुलाम। कभी कभी गुलामों के भेस में शहजादे भी पैदा हो जाया करते हैं। ये सब किस्मत के खेल हैं हजूर। चुप रहो, बड़े बदतमीज हो तुम। शहजादियाँ और शहजादे अक्सर बदतमीज हुआ करते हैं सरकार। बड़े नालायक हो, अब तो तुम्हारा दिमाग वाकई सड़ गया है। सोने दो, मुझे नींद आ रही है, और चुपचाप बैठकर पहरा दो। ये दुनिया जंगलियों से भरी पड़ी है सरकार, आप आराम से सो जाएं, हम पहरा देते हैं। सामने दो घोड़े खड़े हैं, मुमकिन है वो यही हो। अल्लाह, अरे चलो चलो उतरो, चलो। शहजादा बख्त बुलंद है और हम नामदार हैं। तुम्हारा नाम? मेरा नाम, हाँ मेरा नाम है कामदार। कामदार नामदार? कामदार कामदार कामदार। अरे भैया कामदार, अरे तुम इतने दिन से कह रहे हैं मैं नामदार तू कामदार, अरे बड़े मोटे हो गए भैया, क्या बात है। अरे ये तो वही जलाल है, जलाल जलाल। देखा देखा आपने, मैं कितना बहादुर हूँ, मैं इसे मार गिराया जी। कमीना बुजदिल कहीं का, तन्हा आदमी के लिए फौज लेकर आता है और कहता है देखा देखा मैंने इसे मार गिराया, निकल जाए यहाँ से। देखो ना देखो, तुम मेरे गैरत को न झंझोड़ो, मेरी बहादुरी को न टोको, हाँ मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर सकता हूँ। बड़ा आया गिरफ्तार करने वाला, लंगूर कहीं का। क्या मेरी जरूरत लंगूर ने देखी है? जी सरकार। नहीं सरकार, आपकी शक्ल तो चंदे आफ्ताब चंदे महताब जैसी है। तो मुझे ये लंगूर क्यों कहती है? कहने दीजिए सरकार। आए एक बात बताऊं? हाँ, जल्दी बताऊं, जल्दी इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। देखो इधर भी गिरफ्तार कर लो, ये हमें लंगूर कहती है। चलो चलो कर लो। शहजादा बदर की तरफ से फिक्र बढ़ती ही जा रही है। कायवा खाने के बाद से अभी तक उनका कोई पता नहीं। फिर इस बारे में आपने क्या किया? हर तरफ जासूस भेज। Oh,
मजबूर तुम लाचार हम, तुम क्या करो हम क्या करें, मजबूर तुम लाचार हम, तुम क्या करो हम क्या करें, आंसू बहाओ तुम उधर हम इस तरफ आहे भरे। दिल को देखा चूर है यहाँ का यही दस्तूर है, जिस दिल को देखा चूर है यहाँ का यही दस्तूर है, खुशियों के पहलू में है गम, तुम क्या करो हम क्या करें, खुशियों के पहलू में है गम, तुम क्या करो हम क्या करें। मजबूर तुम लाचार हम, तुम क्या करो हम क्या करें, मजबूर तुम लाचार हम, तुम क्या करो हम क्या करें, आंसू बहाओ तुम उधर हम इस तरफ आहे भरे। जलाल, तुमने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपके काम आ सका। बहुत शरीफ हो तुम, वरना कौन किसी की मुसीबत में कूदता है। गुलामों का फर्ज आका की खिदमत करना है हुजूर। मैंने तो तुम्हें कभी गुलाम नहीं समझा जलाल। ये जरा नवाजी है हुजूर। न जाने वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करे। कत्ल से ज्यादा कुछ नहीं। यूं न कहो जलाल, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी न जी सकूंगी। मरे हजूर के दुश्मन, अभी तो आपको जिंदगी की बहारें देखनी है, मेरा क्या है? अगर आपकी खिदमत में यह हकीर जान काम आ जाए तो इससे बड़ी और क्या खिदमत हो सकती है। ऐसा न कहो जलाल, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें हरगिज न मरने दूंगी। अगर मुझे बख्त बलन से शादी भी करनी पड़ी तो सिर्फ तुम्हारी खातिर इसे भी गवारा कर लूंगी, मगर तुम्हें जरूर आजाद करवा दूंगी। मेरे जीते जी हजूर के दिल को ठेस नहीं पहुंच सकती। मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक हजूर के कदमों पर निसार कर दूंगा। गजब हो गया सरकार, शहर साहब नखलिस्तान के पुराने किले में कैद है शहजादी नादरा के साथ। शहजादी नादरा भी कैद है, ये क्या मामला है? खैर, सवालों को तैयारी का हुक्म दो। हमें मालूम है कि उस किले में बहुत कम फौज रहती है, हम निहायत आसानी के साथ उन्हें छुड़ा लेंगे। बहुत अच्छा सरकार।
हम अमीर हलब के पास से आए और एक जरूरी पैगाम लाए। हम अपने सिपे सालार के हुक्म के बगैर किसी को अंदर नहीं जाने देते। सिपे सालार? मगर तुम लोग तो जासूस मालूम होते हो। क्या बकते हो, हम जासूस मालूम होते हैं? ये लो अपने सिपे सालार को। सारी जिंदगी लड़कियों के पीछे मारे मारे फिरते रहोगे? नहीं कमर, मेरी जिंदगी में ये आखिरी लड़की है। अब वापस चलो, आला हजरत तुम्हारी जुदाई में बहुत परेशान रहते हैं। कमर, शायद तुम भूल गए कि मैं घर से क्या अहद करके निकला था। कमर, मैं तुम्हारा एहसान सारी उम्र न भूल सकूंगा। अगर तुम न होते तो शायद मैं अपनी मंजिल से इतना करीब ना हो सकता। इंसान से साया जुदा हो सकता है, लेकिन कमर बदर से दूर रहे ये नहीं हो सकता। शुक्रिया मेरी कामयाबी की दुआ करना। अब्बा जान का ख्याल रखना। चलो Thank you.
शहजादी नादरा? हाँ, क्यों तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम तो हमारे यहाँ नौकरी कर चुके हो। मैं वही नादरा हूँ, काली कलूटी, मोटे मोटे होठ, नाटा कद, भद्दा चेहरा, फैली हुई नाक, छोटी छोटी आंखें। तुम परेशान क्यों होते हो जलाल? हमने तुम्हारा झूठ माफ किया। मैं अपनी खानदानी गैरत की कसम खाता हूँ कि जब तक नादरा को कनीज बनाकर आपके सामने पेश न करूंगा, अपनी सूरत में दिखलाऊंगा। जलाल यहां, तुम जानते हो तुम बड़े बदतमीज हो। आप जान गए होंगे हजूर, आला हजरत ने बता दिया और आदाब महफिल से भी कोरे। जी हजूर, मुझे रोना आता है, मुझे हंसना आता है, और अगर कुछ बाकी रह गया हो तो वो आप सिखा दीजिए। हमने आदाब सिखाने के लिए कोई मकतब थोड़ी खोल रखा है। जो इशारा न समझे वो बेवकूफ है। जी सरकार। जी सरकार, जा वहाँ जाकर खामोश बैठ जा। जलाल। जी सरकार। बैठ जा। आज भी हमें कोई कहानी सुना? अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है सरकार। सुनाओ ना, हम तुम्हें इनाम देंगे। जलाल, तुम यहाँ कहवा खाने से ज्यादा खुश नजर नहीं आते। मैं बहुत खुश हूँ सरकार। तुम्हें कोई गाना याद है? नहीं सरकार। कोई गजल? जी नहीं सरकार। ये भीगी हुई रात भी कितनी सुहानी होती है। जी सरकार। जी सरकार, हाँ सरकार, नहीं सरकार। आखिर तुम दिल खोलकर बात क्यों नहीं करते? ओ, तुम डरते हो इसलिए कि मैं नादरा हूँ? ये सब भूल जाओ जलाल, और मुझे वही कहवा खाने वाली लड़की समझो। बहुत अच्छा सरकार। फिर वही सरकार, तुम बड़े बदतमीज हो। जाओ मेरे लिए पानी लाओ। लाया सरकार। बेवकूफ कहेंगे, ये गर्म पानी हमारे पीने के लिए है? तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? अब खड़े हुए मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जूती उतारो। बदतमीज नालायक, मेरा पांव मोड़ दिया। माफ कर दीजिए सरकार।
तुम्हें काम करना नहीं आता तो नौकरी क्यों करते हो? कोई दूसरा मुलाजम रख लीजिए। गुस्ताख, जरा मुंह लगाया और औकात भूल गए? दूर हो जा मेरी नजरों से। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? वापस कहवा खाना जाऊंगा। अच्छा, हमने माफ किया, अब आइंदा कोई ऐसी बेवकूफी न करना। चलो दूसरे पांव की जूती उतारो और जरा आहिस्ता आहिस्ता, समझे? फिर मेरा पांव मोड़ दिया, बदतमीज कहीं के। मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मैं बार बार आवाज दूं या लाख बार तुम्हें बुलाऊं, फिर भी मुझे अपनी मनहूस सूरत न दिखाना। चांदनी झूम रही है, नाच रही है, मस्त की बरसात है, भीगी भीगी रात है। मस्त चांदनी झूम रही है, नाच रही है। दिल की बस्ती वीरा है, तू मन के मीत कहाँ है? मेरी दुनिया आज जमा है, बेचैन पपी है के होठों पर मेरे दिल की बात है, भीगी भीगी रात है। मस्त चांदनी झूम रही है, नाच रही है, मस्त की बरसात है, भीगी भीगी रात है। मस्त चांदनी झूम रही है, नाच रही है। ये ऋतु ये रंगीला मौसम और बिरहा में तड़पे हम, क्यों बिछड़ गए हो बालम? नजर मिला कर नजर चुरा ले, ये भी कोई बात है, भीगी भीगी रात है। मस्त चांदनी झूम रही है, नाच रही है, मस्त की बरसात है, भीगी भीगी रात है। मस्त चांदनी झूम रही है, नाच रही है। सबर का दामन छूट न जाए, किस्मत मुँह से टूट न जाए, प्रीत का रोग लगाने वाले लाज तेरे हाथ है, प्रीत का रोग लगाने वाले लाज तेरे हाथ है। भीगी भीगी रात है, मस्त चांदनी झूम रही है, नाच रही है, मस्त की बरसात है, भीगी भीगी रात है। मस्त चांदनी झूम रही है, नाच रही है। कौन है? मैं हूँ। कौन? सुंबुल, अंदर आ जाओ। घबराई हुई क्यों है? शहजादी साहबा, आला हजरत तशरीफ ले आए और आपके आने की खबर सुनकर गुस्से से कांप रहे हैं। नहायत सख्ती से हुक्म दिया है कि आप जिस हाल में हो फौरन उनके सामने हाजिर हो। अच्छा, खुदा खैर करे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान न हो सुंबुल, वो अपनी बेटी के आंसुओं को बर्दाश्त न कर सकेंगे। मैं आला हजरत के मिजाज से वाकिफ हूँ, जिस वक्त मेरी मुसीबतें सुनेंगे उनका सारा गुस्सा प्यार और मोहब्बत में बदल जाएगा। आला
आदाब अब्बा जान। अब्बा? कौन अब्बा? किसका अब्बा? कैसा अब्बा? महल से जाते वक्त भूल गई थी कि कोई हमारा भी बाप है और उसकी भी दुनिया की निगाहों में कोई इज्जत है। अब किस मुंह से अब्बा कह रही हो? माफ कीजिए अब्बा जान, आप मुझे बकबलन से शादी करने पर मजबूर कर रहे थे और वो रिश्ता मुझे मंजूर न था। और अब अगर अभी तुम्हारी शादी बकबलन से ही कर दी जाए तो मैं तड़प तड़प कर जान दे दूंगी, मगर उस लंगूर से हरगिज़ शादी न करूंगी। इसी शादी से बचने के लिए मैंने वो मुसीबतें उठाई हैं जिसे याद करके मेरा दिल कांप उठता है। मुसीबतें? जी, हमदर्दी के पर्दे में मुझसे दुश्मनी की गई, जानिसारी का फरेब देकर मुझे आपके कदमों से जुदा किया गया। जब मुझे बेबस देखा तो कमीना सख्ती पर उतर आया और जबरदस्ती मुझसे शादी करने पर तुल गया। मैंने इनकार किया तो एक अदना लौंडी की तरह मुझे घसीट कर गंदे तहखाने में बंद कर दिया। मगर किसने? आपके सिपा सालार साकी ने। उस गुलाम जादे की ये जुरत? अजल, साकी जहां हो और जिस हाल में हो फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और जल्द अज जल्द दरबार में पेश किया जाए ताकि उसे गद्दारी और नमक हरामी का मजा चखाया जाए। ठहरो, दिलाराम को भी गिरफ्तार करवाइए अब्बा जान। सबसे पहले उसी ने साकी से मिलकर मुझे बहकाया। अच्छा, दिलाराम को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। नादरा हाथ से निकल गई, बुरा हुआ, और वो महल में वापस पहुंच गई, और भी बुरा हुआ। यूं फरमाइए कि चिड़िया फिर घोंसले में वापस आ गई। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। महल की दीवारें मेरे और नादरा के दरमियान हायल नहीं हो सकती। मैं इस महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जी हाँ आलमपना, सुल्तान की अकल बुड्ढी हो चुकी है, उसे यह मालूम नहीं कि सल्तनत में साकी के नाम का सिक्का चलता है। बेशक, सुल्तान एक खोखले तख्त पर बैठा है जिसे अब दीमक खा चुकी है। सल्तनत को अब एक नए तख्त और एक नए सुल्तान की जरूरत है। सब इंतजाम मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ आपके इशारे के देर। तो आज ही रात को, लेकिन बहुत एहतियात की जरूरत है। आप इत्मीनान रखिए सरकार। सलाम कबूल फरमाइए। अपने आका से ये खतर? मलका आलम, जंग में पहला और भरपूर वार ही फतह की निशानी हुआ करता है। अगर मैं भी सुल्तान आलम की तरह अपने फर्ज से गाफिल होकर सुबह होने की राह देखता तो अब तक जल्लाद की तलवार इस बूढ़े के हुक्म से मेरे सर को तन से जुदा कर चुकी होती। मगर ये भी याद रख, इसके बाद रियाया की गिरफ्त से तो कभी ना बच सकेगा। गुलाम इसका भी पूरा पूरा इंतजाम कर चुका है। जब आप रियाया के गमो दर्द से बेनियाज होकर मलका आलम के साथ ऐश की जिंदगी बसर कर रहे थे, उस वक्त यही खाकसार इसी दिन के लिए गरीब और मजदूर रियाया की परेशानियों में बराबर का शरीक था। दुनिया अमल का नाम, और फर्श दरबार से तख्त शाही तक पहुंचने के लिए यही अमल करना पड़ता है। फिर भी रियाया तेरी इस नमक खरामी को कभी ना माफ करेगी? इसमें माफी का सवाल ही नहीं, हुकूमत का सवाल है, और हुकूमत तलवार की धार से की जाती है। भूल रहा है नमक हराम, याद रख कि हर फिराउन के लिए एक गुस्सा भी है। इन पुरानी कहावतों को छोड़िए और कान खोलकर सुनिए कि नादरा का खामिन तक का जायज हकदार होगा और वो मैं हूंगा। नमक हराम, तेरी ये बजाल तो जैसे गुलाम के मुंह पर वो थूकेगी भी नहीं। गुलाम कहने वाले की जबान खेत ली जाती है। निगरानी करते रहना, नजरों से ओझल ना होने देना। मैं नादरा को लेकर आता हूं। Thank you.
साहिबा। तुम साकी, हमारी ख्वाबगाह में आने की जुरत कैसे हुई तुम्हें? घबराइए नहीं, अब ये ख्वाबगाह साकी की ख्वाबगाह बनने वाली है। जबान बंद करो साकी, वरना आला हजरत से कह के तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगी। जुबान बंद करो, ये जुमला तो कहीं सुना हुआ मालूम होता है। हाँ खूब याद आया, अभी अभी आला हजरत के पास गया तो कहने लगे जबान बंद करो। मलका आलिया के सामने गया तो वो भी यही फरमाने लगे, और काजी साहब भी कुछ ऐसा ही कहते कहते रुक गए। मगर मशवरे के बाद नतीजा ये निकला कि मैं आपको खुद उनके रूबरू ले चलूं, ताकि सुबह होते ही सल्तनत की जिम्मेदारियों से आला हजरत और मलका आलिया को परी कर दिया जाए, और आला हजरत की जगह मैं और मलका आलिया की जगह आप सल्तनत की बाग अपने हाथ में ले लें। ठहर जा कमीने, मैं हूं तुझे मजा चखाती। जलाल जलाल, जलाल कहां मर गया बेवकूफ? शहजादी साहिबा, चंगेज के होते हुए कोई अंदर नहीं आ सकता। साकी, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो तेरी और अपनी जान एक कर दूंगी। जलाल, तू अंदर कैसे आया? तुझे बाहर किसी ने नहीं रोका? जी कोई साहब बाहर थे तो, मगर अब सो रहे। मालूम होता है तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई। मौत नहीं, गुलाम को फर्ज की पुकार खींच लाई, ताकि साकी की तलवार तेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। सुबह सालार साहब का पहला वार खाली जाए, बड़े शर्म की बात है। जानिसारी ने हमारे दिलों पर वो गहरा असर किया है जिसे हम उम्र भर नहीं भूल सकते। अपनी जान पर खेलकर उस मूजी साकी से हमारी इज्जत और जानों का बचाना तुम ही जैसे बहादुर आदमी का काम था। हम तुमसे बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि दिल खोलकर तुम्हें इस जानिसारी का इनाम दें।
मांग लो जो मांगना है। यूं तो हजूर की दरिया दिली की चर्चे सारे नखलिस्तान हलब रोम और शाम तक फैले हुए, मगर गुलाम एक बार और अर्ज कर देना चाहता है कि आला हजरत दोबारा अपने वायदे पर गौर फरमा ले। हमें हर बार अपनी बात का धनी और इरादे का पक्का पाओगे। शाहों के जुबान से निकले हुए अल्फाज बेमानी नहीं हुआ करते जनाब। तो बस गुलाम को भी सवाल करने में उजर नहीं। जलाल मांग लो जो मांगना है। मुझे शहजादी नादरा चाहिए एक कनीज की हैसियत से। जलाल तुम्हारी इंसानियत को देखते हुए हमें हरगिज ये उम्मीद न थी कि तुम अपनी हकीकत को भूलकर ऐसा नामाकुल सवाल करोगे। अगर हम तुम्हारे एहसानों से दबे हुए ना होते तो तुम्हें इस गुस्ताखी की वो सजा देते जिसे देखकर तमाम दुनिया के गुलाम इबरत हासिल करते। हजूर का फरमान है सर आंखों पर, गुलाम को जो मांगना था मांग चुका। ये तुम्हें क्या हो गया है जलाल? कहां तो कदम कदम पर वो जानी सारी और कहां एक ये दिलाजारी? आखिर इसका सबब? जब तक आप एक मजलूम शहजादी थी मैं गुलाम बनकर जानसारी का फर्ज अदा करता रहा, मगर जब से वो मजलूम शहजादी मगरूर नादरा साबित हुई है इंतकाम की आग मेरे सीने में भड़क रही है। मैंने तुमसे क्या दुश्मनी की है? इसे पहचानती हैं आप? यही है ना वो दोषीदा जिसे वलीहद हलब की मलका बनाने के लिए भेजा था? तुम? हां आवारा शहजादा बदर। बदर? जी हां शाह हलब का बेटा जो इस तोहीन के बदले में अपने बाप से ऐद करके निकला है कि जब तक शहजादी नादरा को कनीज बनाकर आपके सामने पेश न करूंगा अपनी सूरत न दिखाऊंगा। बेटी अगर तुम शाह हलब के बेटे हो तो मैं भी अमीर कमाल की बेटी हूं। अगर तुम्हें अपने अहद का पास है तो मुझे भी अपने बाप का कॉल प्यारा है और मैं इस कॉल को निभाने के लिए अपना सब कुछ निसार कर देने के लिए तैयार हूं। फिर सोच लीजिए शहजादी साहब। बेशक मैं अपने शफीक बाप के मुंह से निकले हुए अल्फाज की कीमत अदा करने के लिए बेचैन हूं। चलिए कमान और उनकी मनका दोनों यूं ही बैठे देखते रहे। बात की पच आ पड़ी थी। ये उस जमाने का जिक्र है जब लोग अपने कौल को निभाना जिंदगी का एक फर्ज समझते थे और फिर वो ठहरे बादशाह अपने कौल पर हर्फ कैसे आने देते। तो क्या शहजादी नादरा हमेशा कनीज बनकर रही? नहीं, उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दोनों ने निहायत हंसी और खुशी से जिंदगी बसर की। बल्कि यूं कहो कि शहजादी नादरा शहजादे बदर के दिल पर हुकूमत करती रही। Thank you.